हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के विस्तृत आवेदन पत्र भरने की आज लास्ट डेट है, 30 जून। सभी ने सबमिट करा दिया होगा और साथ में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है जो भी आवश्यक दस्तावेज़ हैं कौन कौन से लेकर जाएंगे, साथ में भी आप लोगों को लेकर जाने हैं तो उसी की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सूची में ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। तो चेक लिस्ट जो है वह तो आप लेकर जाएंगे ही, साथ में मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वह भी आपको लेके जाना है, जो लास्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है मुख्य परीक्षा का उसका आवेदन पत्र। विस्तृत आवेदन पत्र जो है वह भी लेके जाना है, चेक लिस्ट यह लेके जानी है आपको, आधार कार्ड जो है यह भी आपको साथ में रखना है, साथ में जो है वो आपके जितने भी क्वालिफिकेशन आपकी है 10th 12th BA MA इनके प्रमाण पत्र और अंक तालिका ये आपको साथ में रखनी है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। BSTC या BEd की जो है वो अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो है यह लेके जानी है, साथ में जो है वो एडमिशन डेट जो है वह भी आपको लेके जानी है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास एडमिशन डेट नहीं है किसी कारणवश, जो है उनके BEd कॉलेज जो है वो हो सकता है जहाँ से किया है वह बंद हो चुके हैं, तो आप अंदाजे से जो है नोट कर लें। एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, तो उस साल का जो है वो आपने कब एडमिशन लिया था मंथ तो आपको याद ही होगा, तो ये जो है आप डेट लिख लें। मूल निवास प्रमाण पत्र, साथ में जो है जाति प्रमाण पत्र, स्वय घोषणा पत्र और आय प्रमाण पत्र, जिनका 2.5 लाख रुपए से जो है वो कम आय है तो उन लोगों का जो है वो आय प्रमाण पत्र जो है वह लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ही जो है लेकर जानी है, ठीक है। ओरिजिनल जो है आप साथ में रखें। और मूल निवास जिन्होंने जो है अभी कुछ चेंजमेंट करवाया है और नहीं आ पाया है उनके पास, तो पुराना जो है आपके पास होगा तो उसे साथ में लेके जाएं। अन्य प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांग का है, ठीक है, विधवा का है, तलाकशुदा का है, मैरिज सर्टिफिकेट, जिनकी एग्ज़ाम से पहले जो है वो शादी नहीं हुई थी, एग्ज़ाम के बाद शादी हो गई है, तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपको साथ में रखना है, ठीक है। NOC रखनी है और स्पोर्ट्स जो प्लेयर हैं उनकी भी लगेगी, एक्स सर्विस मैन जो है उनका प्रमाण पत्र जो है वह भी उनको साथ में लेके जाना है। ये सभी जो है आवश्यक दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको साथ में लेकर जाने हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सभी की जो है वो तीन तीन सेट आप बनवा लेना, तीन तीन सेट ही आपको बनवाने हैं। जो शपथ पत्र होता है उसका कोई सेट नहीं बनवाना है, वो केवल एक ही रखना है, ठीक है। शपथ पत्र जो है उसका आप फोटोकॉपी ना बनवाएं, शपथ पत्र की नहीं बनवानी है। बाकी जितने भी जो है यहाँ पर सूची दी हुई है इन सब के जो है वो तीन तीन फोटो कॉपी, तीन तीन सेट जो है वो तैयार करके लेके जाने हैं ओरिजिनल के साथ में। ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। विशेष मूल निवास जो है केवल TSP क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए रहेगा, ठीक है। और आप लोगों का जो है वो एक मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। आधार कार्ड किसी के जो है वो नाम में कोई मिस्टेक है और अभी भी जो है वो बनी हुई है और उसने सही नहीं करवा पाया है, तो शपथ पत्र में ये सारी चीज़ें जो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने इस चीज़ का वीडियो बनाया था, आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी। अब जो है ये जो सूची दी गई है ये सारी चीज़ें जो है आप वन बाय वन अपने कागज़ जो है वो एक सेट करके जो है रख लें, ठीक है। जैसे एक जगह जो है आप इन सभी की जो लिस्ट जो है जिस तरीके से लिखी गई है ऐसे ही आप एक एक करके लगा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेट बनाएं, फिर तीसरा सेट बनाएं, ठीक है। और ओरिजिनल जो है वह उसकी जो है वो अलग रखें, ठीक है। तो इनमें से जो दो हैं, दो जो सेट होंगे वो आपके जमा हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि तीन सेट जो है वो बन आप लोग जो है वो तैयार करना, तीन सेट ही तैयार करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी जिनके पास अभी पेमेंट जो है सक्सेसफुली का जो है कोई भी मैसेज नहीं आया है तो आ जाएगा, टेंशन मत करिए। और अगर किसी कारणवश ना आए तो आप दोबारा पेमेंट कर देना, 100 रुपये का, 100 रुपये ही आपके लग रहे हैं 100 रुपये का, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बच्चों ने जो है अपना फॉर्म जो है वो बिल्कुल सबमिट करा दिया था लेकिन उनके पास किसी भी तरीके का पेमेंट का जो है नहीं आया था मैसेज, ठीक है, तो उनको जो है दोबारा करना पड़ा था। तो 100 रुपये में जो है वो कुछ नहीं होगा आपका, अगर किसी के पास ना आए मैसेज जो सभी के पास जो है वो आ ही गया होगा, नहीं आता है तो आप जो है वो दोबारा पेमेंट करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और भी कोई जानकारी होगी तो वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।